सर कैसे हैं? आज जो अपडेट लेके आया था यस बैंक लिमिटेड पे लेके आया था। आज 22 मार्च 2019 है, आज फ्राइडे का दिन है। और यस बैंक में देखेंगे मार्केट में बैंक निफ्टी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद, मैं ये बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट अभी कोई बैंक निफ्टी में मेरे अंदाज से 30,064 जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद वो फॉल हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है क्योंकि अभी छुट्टी है 2 दिन। बट स्टिल बैंक निफ्टी में पॉजिटिवनेस अभी रहेगी, अभी बैंक निफ्टी वीकनेस होना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। तो चलिए जो भी हुआ प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद आप देखेंगे यस बैंक ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। यस बैंक कहीं कहीं ना 57 की ओर गया, लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद यस बैंक ने अपने 250 के ऊपर जो कि लो खुला था वहां से ऊपर की ओर ही क्लोजिंग देता है। अच्छी बात यह है कि इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी देखेंगे तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी अच्छे खासे रुपए से ऊपर अंतर के होता है। इसकी जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखेंगे तो 254 का आता है, वहां से थोड़ा सा आज नेगेटिव दिया, सॉरी कल ज्यादा दिया था आज थोड़ा सा नेगेटिव दिया है, थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है इसमें। 254 की जगह 252 दिख रहा है। और वॉल्यूम देखेंगे तो 3,40,18,752 का होता है NSE पे। तो थोड़ी सी वीकनेस जरूर दिख रही है और इसमें, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसके इक्विटी अगर चार्ट पे भी देखेंगे, अगर मैं इसके आवर्ली चार्ट को देखूं तो एक चीज क्लियर रखिएगा, 245 का इसका जो बोलिंगर बैंड का आवर्ली सपोर्ट पे 245 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये 245 किसी तरह तोड़ता है तो फिर यहाँ से वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बार ये 251 जो इसका मिड पॉइंट है 251, यहाँ से हो सकता है यहाँ से शो करके वापस ये ऊपर की ओर लेके जाए, जो कि आपको 266 जो आता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ 266 आ रहा है। ये क्या है? तो ये वीकली पैटर्न, वीकली मूविंग एवरेज है। और वीकली बेस पे आप देखेंगे एक अच्छा चीज़ देखिए, ये जो येलो लाइन है आप देखिए कैसे ये डाउनफॉल था और आप ये कैसे कर्व लेते हुए अपवर्ड की ओर जा रहा है, अप की ओर जब बना रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये क्या किया है, 50-100 को क्रॉस करते हुए ये ऊपर ऊपर की ओर कोशिश कर रहा है जाने के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे मतलब कि ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है, अगर डेली बेसिस पे देखेंगे तो ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है। ऑलरेडी आप देखेंगे ये जो येलो लाइन है ऑलरेडी ये आपको 50 दिन का और 100 दिन के लेवल को, ये दोनों, ये 50 का है आपका, ये वाला 50 का है ब्लू लाइन और ये जो है 100 का है। तो इस दोनों को येलो लाइन जो है, ये येलो लाइन जो है, ये थोड़ा सा डिप, ये लाइन जो है आपको, तो ये लाइन इसको ऑलरेडी क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रही है और जो यहाँ पे 262 की ओर जा रही है ये 260 की ओर जाते हुए दिखती है। लेकिन आज जो दिखा, आज थोड़ा एक इनडिसिजिव टाइप का कैंडल बना है, पूरा नहीं है, 100% नहीं है, बट लोअर पैटर्न पे इनडिसिजिव थोड़ा सा दिखता है। तो एक कॉशियस पैटर्न तो जरूर बनता है। तो अगर इसके बेसिस पे देखें तो आज की जो क्लोजिंग है यहाँ पे, अगर ये वापस देखें इस लेवल, अगर 200 का जो क्लोजिंग 235 या 240 वहाँ तक, या अब ये 245 अगर आप देखेंगे इसका जो बोलिंगर बैंड का आवर्ली बेसिस पे लोअर साइड है, यहाँ तक आपको कॉशियस पोजिशन लानी चाहिए। अगर यहाँ जाता तो एक बार शायद नीचे की ओर ये जा सकता वापस, बट ऐसा दिखता नहीं। अभी जो पैटर्न दिखता है और जो ये मूविंग कर रहा है, ये क्रॉस करके मूव कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है और हो सकता है कि आपको ये एक बार ऊपर की ओर जाते हुए दिखे ही और कहीं ना कहीं 266 और 280-270 तक आपको जाते हुए दिखे। मैंने पहले भी बताया था इसका एक गैप अप है 270 के आसपास, यहाँ इस लेवल पे एक गैप अप है जो कि 288-288, यहाँ तक एक बार ये कोशिश कर सकता है। और ये ऊपर ऊपर की ओर एक बार चल चल चुका है, 50-100 दिन को क्रॉस कर चुका है और आज ह्यूज प्रेशर के बावजूद ये फॉल नहीं दिखा रहा है, तो बाइंग सेंटीमेंट अच्छा है, पॉजिटिव दिख रहा है और हो सकता है आपको यहाँ से ये 266 और फिर 288 की ओर जाता हुआ, आपको 275 की ओर जाता हुआ दिखे, ऊपर की ओर जा सकता है। और ये अपने कैंडल के जो हाई था यहाँ पे, यहाँ तक तो नहीं, ये क्योंकि ये बहुत ऊपर है, 288 के ऊपर अगर जाएगा तो बहुत अच्छा खासा फिर गैप हो जाएगा। बट यस बैंक एक पॉजिटिव सिग्नल के साथ यहाँ पे ड्रिवन कर रहा है, अच्छा चल रहा है। और अगर मैं वॉल्यूम पैटर्न की बात भी बोलूँ तो आप कंटिन्यू देखेंगे जो इसमें वॉल्यूम 5 करोड़ 5 करोड़ का हो रहा था, अभी यहाँ पे 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ का हो रहा है और ये लास्ट 20 तारीख का अपडेट है, आज का अपडेट नहीं है। तो 2,68,25% की डिलीवरी भी थी और जब फ्राइडे की क्लोजिंग हुई, जब उस समय वेडनेसडे की क्लोजिंग हुई थी तो वहाँ पे 252 था, इनसे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था बैंक। आज थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है 254 के पास,
बट ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये ऊपर की ओर ही जाना है और एक बार 266-275 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है आगे। तो यस बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद 245 का स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आवर्ली बेसिस पे दिखा रहा है। तो यस बैंक में, और अगर डेरिवेटिव में एक बार देखने की कोशिश करें तो यस बैंक के 28 मार्च की जो क्लोजिंग है 252 एट द मनी है। तो 252 पे आकर के देखें, 250 पे तो क्या दिख रहा है आप देखेंगे तो इधर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और यहाँ पे 250 में देखें तो यहाँ पे आपको 250 में शॉर्ट किया जा रहा है और यहाँ से अनवाइंडिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं पुट पे अभी भी देखें 260 पे भी शॉर्ट किया जा रहा है, 4,07,000 का पोजीशन है। और ऊपर देखें तो आप 70,76,000 मैंने 270 क्रॉस करना बहुत ही टफ काम है। अब समझिए 76,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 260 पे आज ही जुटा है 17,00,000 का। तो ऊपर की ओर थोड़ा सा तकलीफ दे तो है, बट ये एक बार जाने की कोशिश कर सकता है, 270 तक जाए, जाना भी है तो 270 तक जा सकता है जो कि दिखता है। अगर इस एक्सपायरी में नहीं भी क्लोज करता है तो आगे हो सकता है कि ये 270 की ओर जाता हुआ दिखे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा है तो रेसिस्टेंस इसको बहुत मिलने वाला है। तो यहाँ पे 260 पे आईबी भी देखे तो यहाँ 49 बता रहा है और यहाँ पे 48 बता रहा है, तो इक्वल बता रहा है 260 की और आईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 270 पे बताएं तो ये 54 की आईबी बता रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ लगता है कि 270 जाना टफ है इस महीने के एंड तक, आगे वो हो सकता है कि वो आपको जाते हुए दिखेगा वहाँ पे। अगर मैं इसी को 25 अप्रैल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो ये क्या पोजीशन बन रहा है, तो आप देखेंगे दोनों तरफ शॉर्ट ही पोजीशन बन रहा है। और अभी यहाँ पे जो देखेंगे ऊपर की ओर जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 260 पे ही 5,86,000 का है और यहाँ पे जो सपोर्ट इसको है 250 पे है। तो 250 260 वही रेंज निकल के आ रहा है अभी भी, यहाँ पे भी अप्रैल में भी अभी नेक्स्ट वीक से उसका जो होगा रन ओवर ट्रांसफर होने लगेगा, रोल ओवर होगा, चालू होगा, तो उसको देखेंगे। तो यस बैंक में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ थी। यस बैंक में आप पॉजिटिव ट्रेंड्स रख सकते हैं, लेकिन 245 का जो कि एक आवरली बेसिस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं 245 का लोअर बैंड से यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर रख लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं था या कोई भी ये डायरेक्ट बाइंग करने के लिए नहीं था, आप बना के रख सकते हैं वीडियो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।